हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिकाज मॉम किचन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो देखते ही आप तुरंत इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, पनीर की ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल नई रेसिपी है। फ्रेंड्स, दाल मखनी तो आपने बहुत ही खाई होगी, आज आप इस पनीर मखनी को ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए गैस पर रखा है मैंने एक पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज, छोटे साइज़ का, बिल्कुल छोटे साइज़ का है। और यहाँ पर मैं 5 जो है वो लहसुन की कलियाँ डाल लूँ। लहसुन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, प्याज और लहसुन का कम यूज़ करना है। 2 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर जो है वो डाला है, बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया है। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च और यहाँ पर अदरक 1/2 इंच मैंने बीच से कट कर लिया है। तो आप तीखा अपने स्वादानुसार रख सकते हैं। खड़े मसाले मैं यहाँ पे दालचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और तेज़पत्ता और थोड़ी सी जो है 2-3-4 काली मिर्च रखा है। तो फ्रेंड्स, इसको हमको डाल देना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। आप यहाँ पे बटर का यूज़ कर सकते हैं, मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, तेल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ्रेंड्स, अब गैस की फ्लेम को ऑन करके और इसको कुक करने देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको खूब अच्छे से कुक होने दें जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। देखिए, बिल्कुल जो है एकदम अच्छे से गल चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने खड़े मसाला डाला था ना, उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो सारा फ्लेवर है वो इसमें आ चुका है, जो है वो सारा फ्लेवर जो इसमें आ चुका है। और जब इसको हम पीसेंगे ना, तो फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रेवी होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हमको इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको निकाल के हमको फेंक देना है। तो तेज़पत्ता, दालचीनी और जो बड़ी इलायची है उसको मैंने निकाल दिया है, बाकी जो छोटे छोटे मसाले हैं उसको हम पीस देंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे से हमको ठंडा कर लेना है, कम्प्लीटली ठंडा। जब तक ये ठंडा होता है तब तक इसको क्रीमी टेस्ट टेक्सचर देने के लिए, क्रीमी क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्राइंडर जार और इसमें हमने लिया है काजू और यहाँ पे मैंने मखाना लिया है। फ्रेंड्स, इसको हमको बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर जो है वो हमको बना लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे पीस लिया हमने, इसे बहुत ही जब टेस्ट आता है। आप एक बार इसको ट्राई कर देना, बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है। अब हम सारे जो हमने प्याज को और जो सारे मसालों को हमने बॉयल करके रखा था उसको हमको इसमें डाल के पीस लेना है, अच्छे से एकदम बारीक सी प्यूरी बना लेनी है। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया इसको और आप इसको ठंडा होने के बाद ही इसका जो है पेस्ट बनाए। तो ये देखिए, हमारी प्यूरी रेडी हो गई है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है, देख रहे हैं ना कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है। तो फिर मैंने गैस पे पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे घी या बटर ऑयल, जिस चीज़ को चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मखाना डाला है और मखाना को अच्छे से क्रंची होने तक हमको इसको भूनना है। तो यहाँ पर आप इसको चाहे तो बिना घी का भी जो है वो भून सकते हैं, लेकिन ऐसे घी डालेंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स, ये पंजाबी रेसिपी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितना घी का यूज़ करेंगे, बटर का यूज़ करेंगे, उतना हमको जो है वो टेस्टी लगेगा, और भी टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो इसको कम तेल में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको भून लिया है, तब इसको साइड कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे घी, आप यहाँ पे फिर बटर ऑयल, जिस जो भी आपको पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने जो प्यूरी रेडी किया था उस प्यूरी को हमको इसमें डाल देना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ होता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ग्राइंडर जार को ना थोड़ा सा पानी डाल के जो है उसको भी वॉश करके इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा थोड़ा भी पेस्ट वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, बहुत इसमें मसाले में मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, केवल हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/4 चम्मच केवल हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, 1/4 चम्मच, और 1/2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। फ्रेंड्स, अब इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ, क्रीम नहीं है, ये जो नॉर्मल घर की साड़ी होती है ना, दूध की मलाई होती है ना, उसको मैंने अच्छे से फेंट दिया है, बिल्कुल क्रीम के जैसे बना दिया है फेंट के। और अब इसको डाल के अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर देंगे। ये मलाई बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और जो इस घी और या तेल का आप कम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ इससे जो है उसको खूब अच्छा सा तेल मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो मलाई है वो तेल छोड़ता है यानी घी छोड़ता है, तो उससे जो है बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आया। ये देखिए, इसको भूनते हैं ना, तो देखिए ऐसा इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब जो हमने मखाना भून के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे, ताकि अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि इसको हमको गलाना होता है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा मैं इसमें काजू भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा वो भी अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। कम्प्लीटली आप नहीं डालना चाहते तो वो कम्प्लीटली जो है वो आप स्किप कर दें, बिल्कुल ना डालें, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। आप भी एक बार बना के देखो, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, बिल्कुल एकदम रिच खा के एकदम जो है ना सब तारीफ करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी नमक नहीं डाला था, तो नमक हम स्वादानुसार डालेंगे, ठीक है।
जब हमने उसको बॉयल किया था, देखिए उसको हमने बॉयल किया था तो भी हमने नमक नहीं डाला था। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा ग्रेवी को पतली नहीं रखनी है, ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है तभी जो है अच्छी लगती है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, तो अभी हमने इसमें डाल दिया है, तो अभी इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें हम पनीर डाल देंगे, तो पनीर का मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट किया है, आप अपने मनचाहे शेप में इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हमको जो है उसको मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही आसान रेसिपी लेके हमेशा आती रहती हूँ। अब थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी, आपको तो पता है ना मैं पनीर की जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ बिना कसूरी मेथी के तो बना ही नहीं सकती, उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता है। तो आप भी बिल्कुल स्किप ना करें, कसूरी मेथी को ज़रूर डालें, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कसूरी मेथी का टेस्ट मतलब पनीर की सब्ज़ी के स्वाद को बिल्कुल बढ़ा देता है। तो अब इसको हमको ढक के और कुक करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, देखिए जो है तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, सब कुछ अच्छे से पक चुका है। एक बार इसको हम मिक्स कर देंगे थोड़ा, ये देखिए कितना एकदम क्रीमी क्रीमी क्रीम लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए तो हमारा जो है हमने जो मखाना डाला था वो अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं, बताइए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा टेस्टी सा पनीर मखनी बन के बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, घर के मामूली चीज़ों से हम ये टेस्टी सी रेसिपी बना सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, अब हमने वही घर की मलाई जो रखी थी उसी को फेंट के थोड़ा सा इस पर हमने जो है इसको स्प्रेड कर लिया, थोड़ा सा डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ये ताज़ी मलाई है, कई महीनों का रखा हुआ मलाई का बिल्कुल यूज़ ना करें, नहीं तो वो हमारी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बिगाड़ देता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, चलिए इसको सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी टेस्टी सी पनीर मखनी बन के बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर ना मैं बहुत ही आसान आसान रेसिपी लेके हमेशा आती रहती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।